हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिंस रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो राइस की रेसिपी। ये बहुत ही क्विक राइस रेसिपी है जिसे आप विद इन 5 मिनट में बना सकते हैं और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो झटपट बनाने के लिए ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंगो राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटा सा आम, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। एक छोटा चम्मच चना दाल, एक छोटा चम्मच उड़द की दाल, 2 से 3 चम्मच हमें तेल चाहिए, थोड़े से ड्राई रोस्ट मूंगफली चाहिए और 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ते। साथ में हमें चाहिए पके हुए चावल यानी कि बनाया हुआ चावल। हल्दी और नमक की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन को गरम करेंगे और जैसे ही पैन गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे लगभग 3 चम्मच तेल। अब तेल को डाल के तेल को भी अच्छे से आप गरम होने दें। ये एक साउथ इंडियन डिश है जिसे आप अपने लंच बॉक्स के लिए आराम से बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। कम टाइम में बहुत ही जल्दी बनने वाला ये रेसिपी है और अगर आप बचे हुए चावल को लेकर सोचते हैं क्या किया जाए तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही काम आएगी। साथ में हम डालेंगे सरसों के दाने 1 छोटा चम्मच और करी पत्ता, हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें, चलाते रहें। अब हम डालेंगे चना दाल और उड़द की दाल। और अच्छे से आप इसे ब्राउन होने तक धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे चलाते रहें। अब इसमें हम भुना हुआ जो मूंगफली है उसे डाल देंगे। ध्यान रखें कि मूंगफली के जो छिलके हैं आप उसे उतार दें। तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का जो कलर है चेंज हो जाएगा और ये हल्के ब्राउन कलर का हो जाएगा। तब हम इसमें डालेंगे कच्चा आम और साथ में हम डालेंगे नमक और हल्दी। और नमक हल्दी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो आम है अच्छे से पक जाए, यानी कि थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से आप मिक्स करें। अब इसे हम ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ तैयार हो गई हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे पका हुआ चावल और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो बन गया बहुत ही फटाफट ये रेसिपी और आप इसे ऑफिस के लिए, स्कूल में बच्चों को भी दे सकते हैं। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे फटाफट लंच बॉक्स में रख दें और पैक करते हुए ऑफिस के लिए चल पड़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।